यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये आपसे तो कोई छुपी बात नहीं है कि हम पहली बार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं या पहली बार हम डीसी साहब या जिला इंतजामिया तक बात पहुँचाना चाहते हैं। हम मीडिया के माध्यम से भी इस बार इससे पहले मुख्तलिफ बार जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुँचा चुके हैं और खुद भी मोहल्लेवासी हम लगभग चार बार डीसी साहब के पास जा चुके हैं। मुख्तलिफ लीडर साहिबान को, कौंसिल साहिबान को लेकर हम जो आम लोग यहाँ गए हैं, हम डीसी साहब के पास जा चुके हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी कहें आप या जो म्यूनसिपलिटी है, हम कहीं बार इसका हिसाब नहीं है कि कहीं बार हम इन लोगों के पास जा चुके हैं और हुई है और फंक्शनली चल रही है। इसका जो रिपेयरिंग का काम छोटा मोटा था सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ब्लैक टॉपिंग इसकी बाकी थी जो पिछले डेढ़ साल पहले टेंडर भी हुआ है और यहाँ पर मशीनें भी आईं, काम भी शुरू होने लगा और अचानक ठेकेदार कहने लगा कि मुझे मशीन वापस यहाँ से करनी पड़ेगी। हमें उसकी पीछे क्या वजह है वो समझ में नहीं आ रही है। क्या ये कोई पॉलिटिकल गेम है या जिला इंतजामिया के पास पैसे नहीं है? आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज सुबह बारिश हुई है उसकी वजह से इस रोड की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। हमने अभी 5 ट्राली मिट्टी यहाँ पर मंगानी है, पहली ट्राली पहुँच चुकी है, हमने 300 रुपये ट्राली के हिसाब से मिट्टी खरीदी है, सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया 2000 रुपये, हमने ट्राली वालों को पेमेंट देनी है और इकट्ठा करना है। आपके माध्यम से आज हम दोबारा फिर जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा इस वार्ड नंबर 2 की जो रोड है कामसर टू नई बस्ती, इसका इसकी देख रेख देखें, इसकी जो थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं, सिर्फ लाखों रुपए का काम बाकी है। ब्लैक टॉपिंग 1 किलोमीटर की जो करनी है, जो अलाटमेंट है, हम उसी का कहते हैं कि उसी 1 किलोमीटर को ब्लैक टॉपिंग करके इन मोहल्ले वासियों का जो परेशानी है उसको हल किया जाए। शुक्रिया। सिटी तो इसका आप नाम मत लेना, आपने कैमरा मार के आगे पीछे देख लिया होगा। मैं नहीं मानता कि पुंछ को सिटी कहना चाहिए,
ये तो जंगल से भी बदतर हालत है। आप यहाँ से आगे पीछे जोलास जाइए, मंगनार जाइए, लोरन मंडी सावजे जाइए, कहीं भी आपको ऐसी सड़क नहीं मिलेगी। जो हालात शहर की हमारी है, हम वार्ड नंबर 2 की बात नहीं करेंगे, पूरे शहर की खस्ता हालत है। आप कामसर टू रजिस्ट्रेशन देखिए, कामसर टू आरा चौक देखिए, नीचे देखिए आप हॉर्टिकल्चर दफ्तर वाला चौक है वहाँ देखिए, सिटी चौक देखिए, आप मेन सिटी बस स्टैंड देखिए, आप पूरे शहर की बुरी हालत है। जिला इंतजामिया नाकाम हो चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या जो गवर्नर साहब की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है वो जीरो इंप्लीमेंट है यहाँ पर पूंछ में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। गवर्नर साहब पूंछ तक अभी आए नहीं, तो हम ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से अगर हमारी बात गवर्नर साहब तक पहुंच सकती है तो प्लीज़ आप पूंछ का विजिट करें, एक दिन का विजिट करें, अपने जो आपके मशीर हैं उनको पूंछ भेजें। पूंछ भी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का और भारत का एक हिस्सा है पूंछ भी। यहाँ बेशक आम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, हम पाकिस्तानी तो है नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। और ये बात कहना चाहता हूँ कि 47 से लेकर आज तक अगर पूंछ है जिसने हमेशा यहाँ मिलिटेंसी जीरो रही है, हर तरीके से हम लोग अपने देश का साथ देते रहे, लेकिन हम लोगों की तरफ देश ने कभी साथ नहीं दिया। हमें बहुत अफसोस है इस चीज़ पर।